नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासी तीर्थ मानगढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगे। रैली के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से हजारों आदिवासियों को बुलाया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोमवार शाम तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पीएम ने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। बैठक में हादसे पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने लातेहार जिले के बुद्ध पहाड़ इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। झारखंड पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होने की खबरें सामने आ रही हैं। यूजर्स ने शिकायत की है कि वे अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करवा रहे हैं। वहीं कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। वायुसेना बम वर्षक और जमीनी हमलों के लिए अलग अलग विमानों की खरीद के बजाय मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाने पर जोर देने वाली है। ईरान के मशहूर शेफ महरशाद शाहिदी की हत्या कर दी गई है। शाहिदी देश में चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन का एक अहम चेहरा बन गए थे। लुला डा सिल्वा लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के नए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को करीब 21,39,000 वोटों से हरा दिया है। तो देश विदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।